नमस्कार और आदाब, आज सनीचर है। मार्च के 7 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। एक फिक्सर का देहांत पिछले हफ्ता हुआ है। यातायात में यह हादसा हुआ है, एक फिक्सर और एक गाड़ी के साथ खोमपट स्त्रात में। फिक्सर 76 साल ससन सेफ इंतख यार का एस मद्दू का देहांत वहीं पर हो गया जहां पर हादसा हुआ है। ये हादसा के बाद गाड़ी हाँकने वाला या हाँकने वाली जो थी बस्तियों जो था ये वहाँ से चला गया और पुलिस के वहाँ पर पहुँचते ही ये फिक्सर सिर्फ मिला है जिसका देहांत हो गया था। ये फिक्सर जो है एस मद्दू, ये सुबह के समय इनके परिवार बता रहे हैं हमेशा ये मस्जिद जाते थे नमाज पढ़ने के लिए और ऐसा भी उस दिन हुआ है। ये 12 फरवरी 2 इस साल के वास्ते। कुछ दिन यह हादसा के बाद पुलिस ये गाड़ी कब से मिली है जिस गाड़ी के साथ ये हादसा हुआ है और इस मामले में पुलिस आगे खोजबीन कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों जो आने वाले चुनाव 25 तारीख मई को हिस्सा लेने वाले हैं, चुनाव में 25 तारीख मई को उन लोगों को एक वार बोरख सोम भरना है ससन 90,350 SRD का, 96,250 SRD का। ये सरकार ऐलान किए है 1/7 में सेफ नंतविंतक फरवरी का। ये वार बोरख सोम जो है ये 8% रेखलिंग के आधार पर जोड़ती किया जाता है और ये वार बोरख सोम जो है ये आंताल किस खरेख्त जन जो है इससे जोड़ती किया जाता है, मतलब कितने किस खरेख्त दन है ये जोड़ती इसी के आधार पर किया जाता है। ये पता चला है कि आंताल किस खरेख्त दन जो है आने वाले चुनाव 25 तारीख मई के लिए 385,000 लोग हैं जो जाएंगे वोट देने के वास्ते। वैसे ये भी कहा गया है कि ये कानून जो बदला गया है और ये वार बोरख सोम जो लोगों को भरना है हर चुनाव के लिए अलग रहेगा, क्योंकि किस खरेख्त जो है हर बार जब चुनाव होता है ये उतने ज़्यादा नहीं होता है, आंताल जो है अलग रहता है, तो इसमें फ़र्क हो सकता है। इसलिए ये जो वार बोरख सोम है ये रकम जो लोगों को भरना है वार बोरख के तौर पर ये हर चुनाव पर दूसरा रकम हो सकता है, एक ही रकम नहीं रहेगा। यह बार बोरख सोम जो है सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम के एक रेकनिंग पर स्टोर करना है, इसको वहाँ पर जमा करना है मिनिस्टेरी फॉर बेनलैंड सेसाकन के नाम पर। रेजिस्ट्रेशन जो है ये पॉलिटिकल पार्टियों का होगा 16 तारीख से लेकर 21 तारीख मार्च तक रेजिस्ट्रेशन शुरू होगा पॉलिटिकल पार्टियों का जो चुनाव में हिस्सा लेंगे। 16 मार्च रेजिस्ट्रेशन पर यह स्टोर्टिंग्स बवेस जो है ये दिखाना चाहिए। ये रेजिस्ट्रेशन स्टोर्टिंग्स बवेस जो है सेंट्रल होफ स्टैम्प ब्यूरो को दिखाना चाहिए, इसका एक कॉपी दिखाना चाहिए अगर आप रजिस्टर करने के लिए आएंगे। वैसे ये भी हम आपको बता दें कि रेस्टिट्यूशन जो है ये वार बोरख सोम का ये पैसा वापस लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं और ये शर्त ये है कि चुनाव के 30 दिन के अंदर चुनाव का ये औचलाख के घोषणा अगर हो जाएगा तो ओ का बे के ज़रिए ये रेस्टिट्यूशन होगा, लेकिन ये रेस्टिट्यूशन भी होगा कि जब पॉलिटिकल पार्टियों को कम से कम एक सेतल मिलेगा कोई भी फलक्स फतेह वोड और खान में, और पॉलिटिकल पार्टियों देना के लिए पॉलिटिकल पार्टियों जो हिस्सा लिए हैं चुनाव में देना के लिए वोट मिला है जो बराबर है 1% या इससे ज़्यादा आंताल किस खरेख्तन से। आंताल किस खरेख्तन का 1% या 1% से ज़्यादा या आंताल से वोट पॉलिटिकल पार्टियों को मिलना चाहिए तब ये रेस्टिट्यूशन होगा, मतलब ये वार बोरख सोम जो है वापस मिलेगा। सूरीनाम नदी का अविबखर प्रोजेक्ट के बारे में पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे और हम आपको ये बता दें कि इसका स्टार्ट सेन इस हफ्ता में मिनिस्टर ओपन बार वर्कन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जरिए मस मरितिम ऑथोरिटेट सूरीनाम के पास दी गई है। मिनिस्टर विजय छोटकन जो है ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट सेन दिए है और यह अविबखर जो होगा ये और गहरा किया जाएगा सूरीनाम नदी, इससे सूरीनाम देश को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये
कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट जो है 1 साल का है, इसमें 1 साल तक काम होगा और यह प्रोजेक्ट में काम करेगा चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी। कुछ लोग अनबस्टेडिंग किए थे और सबसे कम पैसा इसी जो माजखपे है इसको देना है, इसलिए लोग चॉइस किए हैं कि ये काम इनको देने के वास्ते। काम जो होगा मोंडिंग से सुरिनाम नदी के मोंडिंग से डोम्बोरग तक जो इलाका वानिका तक रहेगा, और ये एक ट्रायक्ट है 68 किलोमीटर का। काम जो पूरा अयोध्याखर का काम है और सभी ऑंडर हाउस वर्कसाम है इधन जो है 5 साल तक चलेगा, और खर्चा जो है इसका 58 मिलियन US डॉलर। ये पूरा पैसा जो है सुरिनाम देश भरने वाला है, एक हिस्सा जो है 45 मिलियन US डॉलर का। ये पैसा एक लेनिंग कर्जा लिया जाएगा फिना बैंक के पास, और बाकी का जो रकम है इसका गारंटी मिनिस्ट्री फंड फिनंसियन अपने ऊपर लिए है। ये तमाम बातें जो है मिनिस्टर छोटकर ने बताई है। उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट ओवर वाटर यानी पानी से जो लोग जहाज में सामान फरफूर करते हैं, ये अब और आसान होगा और ज़्यादा सामान लोग फरफूर कर पाएंगे, और इससे ये कहा गया है कि दुकानों में सामान का दाम भी अब इस पर असर होगा, मतलब दाम भी कम होगा। एक और फ़ायदा है ये अयोध्याखर प्रोजेक्ट का कि सभी मटेरियल जो नदी में से निकाला जाएगा ये वेखनरसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वेखनरसी के प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सुरिनाम देश के जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल लुफ्टहाफन, ये पेंगल योहान एडोल्फ पेंगल लुफ्टहाफन पर कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बॉडी स्कैंस लोग लाए हैं, और पहला बॉडी स्कैन जो है ये योहान एडोल्फ पेंगल लुफ्टहाफन पर इस्तेमाल में लोग लाए हैं, काम में लिया गया है। और इस उस वक्त जब काम में लिया गया है तो मिनिस्टर फॉलक्सगेसोंथेट का अंतवान एलियास वहां पर मौजूद था। यात्रियों जो सुरिनाम देश में आते हैं सभी को स्कैन किया जाएगा, ख़ासतौर पर इन लोगों का बदन का जो टेम्परेचर जो टेम्परेचर का कंट्रोल किया जाएगा। बॉडी स्कैन जो है ये एक मात्र हल है जो सरकार ने लिए है कोरोना वायरस को ये सुरिनाम देश में आने से रोकने के वास्ते। दुनिया भर में ये वायरस जो है फैल गया है 50 से और ज़्यादा देशों में, और लगभग 90,000 या 90,000 से ज़्यादा लोगों को के पास ये कोरोना वायरस हो चुका है। सुरिनाम देश में ये कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस को छोटे रूप में कहते हैं, कोविड-19 वायरस जो है सुरिनाम देश में अभी किसी के पास नहीं है, ये मिनिस्टर एलियास ने बताई है। डायरेक्टर एंड फील्ड लुफ्टहाफन बहेर का तिमती मेंडोसा कहते हैं कि वो सरकार को पूरा मदद देगा, गेसोंथेट्स ऑथोरिटेटन को पूरा तौर से मदद देगा यह वायरस को सुरिनाम देश से दूर रखने को। और भी जगह है योहान एडोल्फ पेंगल लुफ्टहाफन के अलावा जहां पर यह बॉडी स्कैन रखा जाएगा, वो जगह जहां से यात्रियों देश में अंदर आते हैं, जैसे फ्रांस गुयाना का बॉर्डर यानी सीमा पर क्रेंस पर, और साथ में भी सॉर्खेन होप और भी निवाहाफन का नाम लिया गया है जहां पर एक बॉडी स्कैन रखा जाएगा। वैसे हम आपको ये बता दें कि फ्रांस गुयाना में इस हफ्ता ये खबर फ्रांस गुयाना सेंट लॉरेंस से आई है कि वहाँ पर 5 लोगों को ये कोरोना वायरस है। ये 5 लोग जो है ये कोरोना वायरस इन लोगों के पास इसलिए है क्योंकि ये सब एक रिलीजियस बाई इनकॉम्स में गए थे चर्च ऑफ द क्रिश्चियन ओपन डोर मिल हाउस फ्रांकरेक में, और वहाँ से इन लोगों का ये बसमेटिंग हुआ है, ये बीमारी इन लोगों को मिला है। वैसे एक पेश बरेख में फ्रांस गुयाना बताए है कि इन लोगों का हालात जो है स्टेबल है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, कंट्रोल में है। फ्रांस गुयाना के जो ये बात सुनकर काफ़ी लोग सुरिनाम देश में भी घबरा गए हैं क्योंकि रोज़ाना फ्रांस गुयाना सेंट लॉरेंस से सुरिनाम देश में लोग आते हैं और यहाँ से भी लोग वहाँ पर जाते हैं। मिनिस्टर अंतवान एलियास जो है फॉलक्सगेसोंथेट का कहते हैं कि जो कंट्रोल है फ्रांस गुयाना के सीमा पर सुरिनाम और फ्रांस गुयाना के क्रेंस पर ये बढ़ा दिया गया है।
इस हफ्ता अल्बिना में काफ़ी लोग घबरा गए थे और ये 5 फलन सुनने के बाद कुछ मात्री फलन भी लोग लिए हैं। बहुत से दुकान जो है अल्बिना पर ये सब बंद थे। फक सेंट्रल से सेफन एंड फेयर तक फल और अनेक बंधन जो है मिनिस्टर गिलमोर हुफ्तराद को 25 तारीख मार्च तक मोहरत दिए है ब्लास्टिंग फरलिख्टिंग के सिलसिले में। ये प्रस्ताव इनके सामने रखा गया है क्योंकि कई बार लोग एक खत लिखे हैं मिनिस्टर को इस बारे में बातचीत करने के लिए और कई प्रस्ताव भी मिनिस्टर के सामने रखा गया है, लेकिन अभी तक मिनिस्टर इस पर गौर नहीं किए है। 20 तारीख जनवरी आखिरी खत मिनिस्टर हुफ्तराद के लिए लिखा गया है, लेकिन इस पर भी कोई जवाब नहीं आए है। अब ये कहा गया है कुल मिलाकर 21 और खनिसाजी फकबोंदन जो है एक खत में मिनिस्टर के सामने प्रस्ताव रखे है और मिनिस्टर को 25 तारीख मार्च तक मोहरत दी गई है ये ब्लास्टिंग फलिखंद मातरीखलन लेने के वास्ते, क्योंकि लोन त्रकश का कहना है कि ज़्यादा पैसा इन लोगों को कट जाते हैं इन लोगों के तनख्वाह से ब्लास्टिंग के लिए। वैसे कल ये खबर आई है कि फक सेंट्रालस जो है इसमें सेयालो मुदरबोंद ओसाफ और पीवीओ जो है रातवान फक सेंट्रालस इंसुरीनाम जो है इसमें भर्ती है। ये तमाम फक सेंट्रालस ये फक बोंदन जो है रॉबी बेरनस्टेन के निर्देशन में बेरनस्टेन को पदवी से हटाया गया है क्योंकि इन लोगों का यह मानना है कि बेरनस्टेन वजह है क्यों अरमान सुंदर सेंट्रल बंगफान सुरीनाम का गवर्नर नहीं बने हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे गलत बातें कही है इस बनुमिंग के सिलसिले में अरमान सुंदर के बनुमिंग के सिलसिले में कुछ बहुत से ऐसे गलत बातें कहा गया है और इसलिए इनको पदवी से अब हटाया गया है। इस मामले में आगे क्या होगा वो आने वाली खबरों में हम आपको बताएंगे। ये फक सेंट्रालिस जो है ये सब हुफ्तराद के जवाब के इंतज़ार में है। मिनिस्टर मुस्ताजा जो फीसफोशतर है रातफान मिनिस्टर्स का ये पंचघर में बीफे को सवाल करने पर कहा है कि इन्हें नहीं पता है इनका कोलेखा मिनिस्टर फिनंसियन का गिलमोर हुफ्तराद कब वापस सुरीनाम देश आएगा। पता चला है कि हुफ्तराद इस वक्त सुरीनाम देश में नहीं है। काफ़ी सवाल किया गया है, ख़ासतौर पर फीहापे के महिंदर जोगी ने सवाल किए हैं कस रिसर्फस के बारे में लोग और जानकारी चाहते हैं। पंचघर का जो सभा नेत्री है यनिफर सीमोंस ये कहते हैं कि मिनिस्टर हुफ्तराद एक लिखक एक खत में कुछ बातें कहे हैं, लेकिन इससे लोग सहमत नहीं है, लोग खुश नहीं है, लोग चाहते हैं कि मिनिस्टर व्यक्तिगत पर्सनली पंचघर में आए इस समस्या के बारे में खुलासा करने के वास्ते, और इसी के इंतज़ार में लोग हैं। लेकिन मिनिस्टर फिनंसियन का वो इस वक्त सुरीनाम देश में इस वक्त देश में नहीं है। मिनिस्टर हुफ्तराद ये खत में यह लिखक में लिखा है कि यूसिटसी इस वक्त खोजबीन कर रहा है यह कसर सर्फिस की समस्या में, और ये खोजबीन जब जारी हो जाएगा तब वो आएगा पंचघर में इस बारे में जवाब देने को। वो जानकारी का भी इंतज़ार में है जो सेंट्रल बंगफान सुरीनाम के पास वो मांग किए है। तब उसके बाद अगर ये ओंदरशुक यूसिटसी के पास हो जाएगा या छानबीन हो जाएगा और इनको जानकारी और मिल जाएगा सेंट्रल बंगफान सुरीनाम से, तो वो पंचघर में आएगा इस बारे में और जानकारी देने को। फकबोंस लेदर रेशमा मंगरे जो है ये राजनीति पॉलिटिक ज्वाइन कर रहे हैं। ये फेहापे पॉलिटिकल पार्टी में भर्ती हो गए हैं। इस हफ्ता में वो ऐलान ये किए हैं। ये मंगरे कहते हैं कि इनका बस्तियों जो है और सभी शॉप स्टीवर्ड्स जो है इनके फैसला से सहमत है, और ऐसा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कहा है। बेफेएल और अल्स का फोर्सिटर जो है कहते हैं कि ये एक दूसरा तरीका है जो वो अपनाए है लेरक्राफ्टन के हक के लिए आवाज़ उठाने को है। लेरक्राफ्टन के हक के लिए वो काम करने वाले हैं, इन लोगों के फ़ायदा के लिए वो काम करने वाले हैं, और ये है तरीका जो उन्होंने अब अपनाए है। फेहापे इनसे पूछे थे इसमें आकर ज्वाइन करने के लिए, पार्टी में भर्ती होने के लिए, मदद देने के लिए, और मंगरे कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने हाँ कहे है। वैसे
मंगरे 12 महीने ये फकबॉन्स लीडर था। फालिस के जाने के बाद ये बेफेल बॉन्ड फन लेयर आरन और अलियांसी फन लेयर क्राफ्टन इन सुरीनाम अल्स के पास ये बागडोर संभाल रहे थे। पहला हफ्ता अगस्त के पहला हफ्ता में बस्तुश फरकी सिंह है और इस वक्त वार नेमिंग में ऑन द फोर्स राजेंद्र रामनाथ बैठे हैं। मंगरे कहते हैं कि हर एक शायद इसके फैसला से खुश नहीं होगा, लेकिन इसलिए चुनाव है और अगर ऐसा ज़रूरी पड़े तो अगस्त महीना से पहले ये चुनाव भी हो सकता है। मंगरे ये भी कहे हैं कि वो पहले फकबॉन्स लीडर नहीं है जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है। इससे पहले कई ऐसे फकबॉन्स लीडर्स जो है पॉलिटिक में कदम रखे हैं, ये पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं होंगे। फेहापे के जो लोग हैं, फेहापे का लीडिंग जो है काफ़ी खुश है। मंगरे फेहापे का हिस्सा अब है, लेकिन इसके अलावा रेशमा मंगरे के अलावा शेरिल टेक्सिल जो डायरेक्टर है फैकल्टी दर मात्सापे वेतनस्कापन अंतोन द कॉम यूनिवर्सिटी फन सुरीनाम का, ये भी अब फेहापे में भर्ती हो गए हैं। फेहापे का ये भी अब हिस्सा है। वैसे फेहापे कहे कि रोज़ाना ये सब कुछ विशेषज्ञ लोग तजुर्बेकार लोगों को तलाश में है पार्टी में भर्ती होने को, क्योंकि ये सब सुरीनाम देश को बचाना चाहते हैं। सुरीनाम देश के मदद के लिए ऐसे लोगों के बहुत ज़रूरी है। पुराना गवर्नर सेंट्रल बैंक फन सुरीनाम रॉबर्ट फन ट्रिक का गिरफ्तारी जो है 30 दिन से देर तक दाख से ओपनबार मिनिस्टेरी बढ़ा दिए है। मतलब ट्रिक फन ट्रिक जो 6 फरवरी से कैद में है, ये अभी तक कैद में रहेगा। इन पर इल्ज़ाम है कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्टन पर दस्तखत किए हैं, कुछ ऐसा काम किए हैं जिसके लिए इन्हें इजाज़त नहीं था और जिसके लिए काफ़ी पैसा खर्चा हुआ है, काफ़ी पैसा भरा गया है और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले पर में इनके ऊपर इस वक्त मुकदमा चल रहा है। इनको 30 दिन का फरलेंगिंग मिला है, ये अब 30 दिन तक और कैद में रहे। पकीतो बीरफ्लिट स्टेफानो बीरफ्लिट जो 17 फरवरी को एक प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी किए थे और अफंकलक हेड्स प्लेन पर लोगों को पुकार किए थे। 6 मार्च को फिर से ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी जो दूसरा प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी वो करने वाले थे इसमें हिस्सा लेने को। हम आपको ये बता दें कि जितना ज़्यादा लोग 17 फरवरी को आए थे प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी में हिस्सा लेने के लिए, उतना ज़्यादा लोग नहीं थे 6 फरवरी के प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी में। लगभग कुछ 200-300 लोग वहाँ पर मौजूद थे, ज़्यादा तौर पर स्टूडेंट थे, स्कूली विद्यार्थियों थे और भी सीनियर बर्गर्स बुज़ुर्ग लोग थे। इन लोगों को ख़ास तौर पर पुकार किया था पकीतो आकर ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी में हिस्सा लेने के लिए। और भी कुछ लोग थे जो इसमें हिस्सा लिए हैं। बीरफ्लिट कहते हैं कि वो खुश है ऑपकॉम से, जितने भी लोग आए हैं वो इससे खुश है और ये हड़ताल ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी जारी होगा। ये कहते हैं कि ये अटल है इस बात पर कि इस सरकार को घर जाना चाहिए और इसके लिए वो प्रोटेस्ट देर करते रहेगा, वो अपना आवाज़ उठाते रहेगा देश को बचाने के लिए। जनता को सोच समझ के फैसला लेना है आने वाले चुनाव 25 मई को, सोच समझ कर जाना है वोट देने के वास्ते। खासतौर पर स्टूडेंट बातचीत किए हैं यह प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी पर। इन लोगों का ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है सुरीनाम देश में। कोर्स जो है $1 या €1 के वास्ते 13 SRD 13 SRD लोगों को भरना है और पर्टिकुलर लोग पर्टिकुलर स्कूल पर जो लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पर फालूता में पैसा स्कूल का पैसा भरना है तो लोग काफ़ी मुश्किल में है क्योंकि यह पैसा लोग नहीं चुका पाएंगे नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये स्टूडेंट जो है कहते हैं इन लोगों का भविष्य भी, इन लोगों का टूकॉम्स जो है ये खतरे में है। दुकान का दाम भी ये कहा गया है दिन पे दिन बढ़ता जाता है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। जाने से पहले कल एतवार मार्च के 8 इंटरनेशनल दख फंड फ्रो है तो सभी औरतों को यहाँ से शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ मैं पेश करती हूँ। और आने वाली मंगर मार्च के 10 होली पर्व है तो होली पर्व के मौके पर आपको भी शुभ होली हम कहते हैं। रंगों का त्यौहार है, खुशियाँ आप बाँटिए, खुशी का रंग आप बाँटिए, खुशियाँ अपनों में
आप बांटिए और ये खुशी के रंगों से आप अपने आसपास को रंग दीजिए। आपको हम शुभ होली कहते हैं आने वाले होली पर्व के लिए 10 तारीख मार्च को। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।